करने वाला है KTM जो 250 का, तो फ्रंट लुक इसका है पैकेज स्पोर्ट्स में इस तरीके से आने वाला, रियर व्यू मिरर मिलेगा, बारिश का रबर ग्रिप के साथ मिलने वाला, और साइड इंडिकेटर आपको एलिमेंट बॉक्स देखने इस तरीके से मिलने वाले हैं, और ये फ्रंट पोर्शन जो है आपको मैटिंग स्पोर्ट्स में ऐसा मिलने वाला, सिल्वर कलर में, सिल्वर ग्रे बोल सकते हैं, सिल्वर ग्रे कलर में जैसा मिलेगा, और गियर लाइट है ऐसा आ जाता है, और इसमें 6 कंपार्टमेंट आ जाते हैं इस तरीके से देख सकते हैं, एलईडी लाइट का इसमें इस्तेमाल किया गया है, और साइड पे आपको स्टिक वॉक मिल जाता है KTM का, और नीचे आ जाते हैं तो इसका मडगार्ड गोल्ड कलर टोन में इस तरीके मिल जाता है, फ्रंट में आपको ग्लॉसी ब्लैक और कार्बन ब्लैक में आ जाता है, ये आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, और फ्रंट में ब्रेक जो है मिलने वाला 320mm में डिस्क ब्रेक मिलेगा डुअल चैनल एबीएस के साथ, और इसका टायर देखते हैं तो मैं ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, रेडियल ट्यूबलेस टायर इस तरीके से मिलेगा 110x17 17 इंच डायमीटर में, व्हील जो है आपको अलॉय मिलेगा ग्लॉसी ब्लैक कलर में, और फ्रंट सस्पेंशन जो आएगा WP ओपन कार्ट्रिज USD 43mm में, और पीछे आ जाते हैं फ्यूल टैंक साइड तो आपको ये ग्लॉसी ब्लैक कलर में मिलने वाला, गोल्ड कलर टोन में ये मिल जाएगा आपको, ये मैट में आ जाता है, और इसको एक्सटेंडेड पैनल तरीके से दिया गया है आपको, सिल्वर ग्रे कलर में ये मिलने वाला, यहाँ पर आपको ग्राफिक्स भी मिल जाता है, जहाँ पर 250 ट्यूब लिखा हुआ मिलने वाला, 250 आपको लंबे में मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको KTM लिखा हुआ मिलने वाला, फ्रंट में आपको इंजन पावर ऊपर नीचे इस तरीके से मिलने वाला है, वेंटिलेटेड डिजाइन के साथ यहाँ पर आपको लेग गार्ड मिल जाता है, और बीच का सेक्शन आप देख सकते हैं ये इसके लिए जारी जाती है KTM, इसका डिजाइन और फ्रेम आप इसका देख सकते हैं, आपको मेटालिक में बार टाइप में आने वाला है, और कुछ आ जाते हैं दर का डिजाइन ऐसा आ जाता है, यहाँ पर साइलेंसर आपको यहाँ पर गियर मिल जाता है हीट को प्रिवेंट करने के लिए, और ये सेक्शन यहाँ पर टायर वगैरह मिल जाता है, टेल लाइट का डिजाइन ऐसा आ जाता है इस तरीके से, और ग्रैब बार ऐसा आ जाता है, यहाँ पर हमें स्टिकर बॉक्स मिल जाता है, यहाँ पर KTM लिखा हुआ मिल रहा है, और पीछे का ओवरऑल डिजाइन देखेंगे तो साइड इंडिकेटर, नंबर प्लेट और रिफ्लेक्टर आ जाता है, सीटिंग अरेंजमेंट 2 लेवल स्प्लिट सीट मिल जाता है, प्रीमियम क्वालिटी का ही मिलने वाला, यहाँ पर आपको डिजाइन बोर्ड भी मिल जाते हैं, और यहाँ पर साइड गार्ड मिल जाता है, और इस साइड आ जाते हैं तो हमें 6 स्पीड गियर मिलने वाला है, फर्स्ट डाउन 5 आप लगेंगे, और साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी मिलता है जो कि सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, और इसमें इंजन जो हमें मिलेगा सिंगल सिलेंडर 4-valve लिक्विड कूल्ड FIVE USA इंजन, जिसका डिस्प्लेसमेंट 248.8 cc और टॉर्क जो है 24 Nm @ 7500 rpm, और इसका पीक पावर जो है 30 PS @9000 rpm, और लेफ्ट साइड का भी ग्राफिक्स वैसे ही आ जाएगा जैसा राइट साइड आ रहा था। अब हम इसका मीटर कंसोल देखते हैं, और इसका मीटर कंसोल हमें फुली डिजिटल में मिलने वाला, ऊपर इंडिकेटर्स मिल जाते हैं इस तरीके से देख सकते हैं आप, और यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, गियर, RPM, क्लॉक ये सारी चीज़ें मिलती हैं, यहाँ 2 स्विच मिल जाता है, आप मोड यहाँ से चेक कर सकते हैं, ट्रिप वगैरह यहाँ से चेक कर सकते हैं, सेट यहाँ से कर सकते हैं, कुछ इंडिकेटर्स यहाँ से मिल जाते हैं, स्विचेज देखते हैं 4 स्विच, पासिंग, हाई लो बीम, साइड इंडिकेटर और हॉर्न के लिए आता है, और राइट साइड में किल स्विच और सेल्फ स्टार्ट के लिए मिलता है, और इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो आता है 13.5 लीटर का, इसमें जो माइलेज मिलेगा 43 किलोमीटर पर लीटर का, कंप्लीट रेम है, डिपेंड करता है आपका हाईवे या सिटी में चल रहे हैं वो वेरी करेगा, और लास्ट में देखते हैं इसका प्राइस जो मिलने वाला है 2,70,000 ये ऑन रोड प्राइस आएगा, दिल्ली का है, कॉन्टेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा, पर जो भी क्वेरी आप कॉल करके आवेदन करके कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स, बाय।